राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है आंवला नवमी पूजा, तो दीपदान शाम के टाइम आंवला नवमी को दीपदान किया जाता है। तो अभी हम आंवला नवमी दीपदान कैसे करेंगे वो आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी। तो 21 नवंबर को आंवला पूजा है, तो ये अभी इवनिंग टाइम को दीपदान किया जाता है। आप चाहे सुबह भी कर सकते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले किया जाता है दीपदान, और शाम को सूर्यास्त के बाद किया जाता है, क्योंकि अंधकार में दीपक जलाया जाता है। तो अभी हम इवनिंग के टाइम ही दीपदान करते हैं, क्योंकि दिन भर समय मिलता है तो फिर अच्छे से दीपदान जो है वो अच्छे से विधि जो है वो अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए इवनिंग के टाइम ही दीपदान करेंगे। तो देखिए, हम पहले दीपक को धो लिए हैं, और इसमें अगर आंवला है तो आंवला से भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो हम बहुत ही सरल विधि से ही आंवला दीपदान कर रहे हैं। और एक देखिए, एक ही आंवला लिए है, उसको ही हम दीपक में डालकर फिर प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सरसों तेल ले लिए हैं, सरसों तेल डाल दीजिए मिट्टी दीपक में। पहले मिट्टी दीपक को धो लेते हैं, उसके बाद सरसों तेल डाल दिए। आप चाहे तिल का तेल या घी भी डाल सकते हैं। तो हम देखिए, आंवला को पहले हम काट लेते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं। अगर आपके पास आंवला पाउडर है तो आप आंवला पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर छोटा सा कट किए हैं, तो उसको हम दीपक में डाल देते हैं। और उसके बाद हम तिल डालेंगे। तो तिल कार्तिक के महीना में तिल का दान भी बहुत ही शुभ होता है। और तिल जो है, अरवा चावल कम ही प्रयोग करते हैं कार्तिक के महीने में, तिल ज़्यादा ही प्रयोग होता है। तो इसीलिए यहाँ पे तिल हम दीपक में डाल दे रहे हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद भी आप डाल सकते हैं। कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। तो ये जो आंवला दीपदान है, ये दीपदान स्वर्ण दान करने के बराबर होता है। तो ये आंवला नवमी को दीपदान होता है। ये कार्तिक के महीने में आप एकादशी के दिन भी और कार्तिक पूर्णिमा, जो पूर्णिमा है उस दिन भी दीपदान कर सकते हैं। तो ये दीपदान बहुत ही खास होता है, और दीपदान तो हमें हर कार्तिक महीने में ज़रूर करनी चाहिए। घर के मंदिर के पास ही हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो वहाँ पे जितने भी घर में भगवान है, फोटो है या फिर मूर्ति है, जो भी है, तो उस जगह पे हम मतलब दीप को दिखा के फिर हम एक दीप वहाँ भी रखेंगे। और तो इसके बाद देखिए, हम दीप को प्रज्वलित कर लिए हैं, और आप दीप को भी पूजा कर सकते हैं। जैसे थोड़ा से हल्दी दे दीजिए, या फिर थोड़ा सा पानी से ऐच भी लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, कान्हा लड्डू गोपाल है, तो उसको हम दीपक दिखा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, घर के मंदिर के पास भी गणेश लक्ष्मी है, पहले गणेश को भी दिखाया जाता है। तो वहाँ पे हम पहले गणेश भगवान के पास हम एक दीपक प्रज्वलित कर रखते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल के पास हम एक दीपक रखेंगे, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु के ही रूप है। तो और उसके बाद हम तुलसी माता के पास दीपक रखेंगे, और सभी जगह इस तरह से दिखा लेते हैं। और दीपक तुलसी माता पास रखने के बाद जो आकाश दीप होता है, तो आकाश दीप दान भी कार्तिक के महीने में बहुत जरूरी है। तो एक दीप आकाश दीप दान भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो वहाँ पे एक दीपक रखेंगे और द्वार के पास रखेंगे, तो जानते ही। और विष्णु तुलसी माता के पास थोड़े से ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल के फेरा लगा लेंगे। उसके बाद द्वार के पास एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। फ्रेंड, अगर आंवला दीपदान सरल विधि अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।